आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कृपया आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं और मुझसे अपने व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9752024287, एक बार सुन लीजिए 9752024287, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। उसमें जाकर जो है आप मुझे जोड़ सकते हैं और मेरे साथ में जो है व्हाट्सएप से वार्तालाप कर सकते हैं। यही हमारी आशा अपेक्षा के साथ में आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में एडमिशन प्रक्रिया जारी है, और विशेषकर पीएचडी एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर जो उनकी जो जानकारी दी गई है कि कब बीए का एग्ज़ाम होगा, बीएससी का एग्ज़ाम होगा, एमए का एग्ज़ाम होगा, पीएचडी का एग्ज़ाम होगा, कब आवेदन कर सकेंगे, ये एडमिशन के जो कैलेंडर है उस कैलेंडर से आपको ये जानकारी प्राप्त होता है कि आपका जो है एडमिशन कब होगा, क्या होगा, ये सब दिया हुआ है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोग्राम रन बाय द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मिलेगा, इस तरह की जानकारी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, अभी वर्तमान समय में देखें, ये जो नवा पॉइंट है पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम को देखिए, लास्ट डेटा सबमिशन ऑफ फॉर्म 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2018 को है फार्म सबमिशन करने की तिथि, अंतिम तिथि। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फार्म विथ लेट फीस, यदि कोई लेट फीस के माध्यम से फार्म भरना चाहता है तो वो 31 अगस्त 2018 है, और फिर इसका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा 16 सितंबर 2018 है। ऑल द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट approximately 7 days from the date of the entrance test। फिर उसके बाद में 16 सितंबर के बाद में 7 दिवस के अंदर में इसके परिणाम घोषित हो जाएंगे, यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम देखते हैं एक एप्लीकेशन फार्म है, ये इस एप्लीकेशन फार्म को आप जो है इसको जो है आप निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए और इसको जो है फुलफिल कर लीजिए, और तत्काल आप जो है अंतिम तिथि के पहले आप भेज दीजिए। जैसे कि आपके लिए क्या ज़रूरत मांग रहा है, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि UGC से मान्यता प्राप्त है, UGC के सारे टर्म एंड कंडीशन को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। यहाँ पर आपका स्व हस्ताक्षरित फ़ोटो चिपकाना है आपको जो है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको चिपकाना है। यहाँ पर जिस पाठ्यक्रम के लिए आप देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको जो है पाठ्यक्रम कोड भी देना है, इसके पहले दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और उस कोड को भर दीजिए। इसके साथ ही आपको जो है ये विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय के विकल्प है जो आपके लिए आवश्यक है, उस चीज़ को आपको भरना है। ये पर्सनल डिटेल आप भर दीजिए, इसमें जो है आपका नाम, पिता का नाम, फिर उसके बाद में पति, यदि पति है तो पति, माता का नाम, इसके बाद में नागरिकता, आप कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं, किस धर्म से हैं, क्या आप संख्यक हैं, आपका जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति। यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग को निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा देनी होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। इसका मतलब भारत के सभी स्टेट के जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो दूसरे स्टेट में रहता है, किसी भी स्टेट में रह रहा हो, वो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी की तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं क्या, या इसके आप जो है आपके कोई पेरेंट्स एम्प्लाई हैं क्या, या आप जो है डिसेबिलिटी में आते हैं क्या, या फिर आप जो है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के हैं क्या, NCC है, NSS है,
या इंटर स्टेट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट, ये आपके लिए पीएचडी के लिए लागू नहीं होगा। इसके अलावा मेलिंग डिटेल दे देना है आपको, जो है जो आवश्यक है उसको जो है पूर्ति कर दें। और उसके बाद में ये एकेडमिक रिकॉर्ड है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपने एमफिल किया है तो एमफिल, यदि आप मान लीजिए यूजीसी, सीएसआईआर, नेट पास हैं तो नेट, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी, सीएसआईआर के द्वारा जो जेआरएफ या नेट पास हैं उसको जो है पूरी तरह से इंट्रेंस एग्ज़ाम में छूट है। इसको आपको जो है लिख दीजिए। एमफिल वालों को भी जो है उन्हें छूट मिला हुआ है, उनको भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उन सभी विषयों के प्राप्तांकों के योग दें जिनमें अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्राप्तांक प्रतिशत 0.2 अंकों तक अवश्य दें, जो ग्रेडिंग व्यवस्था लागू है तो ग्रेडिंग अवस्था के रूप में जो है उसको लिख दें। यहाँ पर सभी के लिए डिटेल आप कोर्स अप्लाइड यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा क्या क्या चल रहा है, इसको भी आप एक बार जो है पूरी तरह से पढ़ लें। यहाँ पर सभी चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर होगा, जो मेरिट आधार पर होता है मेरिट के आधार पर दिया है, जो आपके पीएचडी के लिए उपयोगी है उस चीज़ को आप जो है जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें और तत्काल आप जो है बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, जिससे ये होगा हमेशा जो जागरूक छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि जैसे ही आवेदन प्रारंभ होता है, जैसे ही आपको सूचना मिलता है, उसके 1-2 दिन में जो है आवेदन कर देना चाहिए। यदि आप आवेदन नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जब जो स्टूडेंट अंतिम तिथि में आवेदन करते हैं उसके लिए 3-4 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या आपके पास में, यदि मान लीजिए ऑनलाइन जाम हो गया, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, या किसी कारण से आप जो है इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपने उसको जो है डाउनलोड नहीं किया हुआ है, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो विलम्ब से पहुंच रहा है, इन सब बातों को दरकिनार करना है और कम से कम 8-10 दिन पहले, जो अंतिम तिथि होती है उससे 8-10 दिन पहले आपको स्पीड पोस्ट करना रहता है। कहीं मान लीजिए 2-3 दिन में स्पीड पोस्ट नहीं पहुंचा तो कम से कम 8-10 दिन में तो अवश्य पहुंच जाएगा। हमेशा मेरे बात को जो है ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप जो है अप्लाई करें।